छतरपुर जिले में गर्मी का सितम लगातार जारी है। भीषण गर्मी की वजह से लोगों का हाल बेहाल होता जा रहा है। बता दें कि भीषण गर्मी के चलते जिले के नौगांव में मंगलवार को तापमान 46 डिग्री के पार देखा गया। वहीं आज से वेब हीट कंडीशन भी घोषित की गई है। जानकारी के अनुसार एक और जहां लोग बहुत जरूरी काम होने पर भी घर से बाहर निकल रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर गर्मी बढ़ने से व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। ऐसे में कृषि विभाग के मौसम विशेषज्ञ का कहना है कि अभी गर्मी का सितम जारी रहेगा, इस महीने तापमान 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। वहीं जिला चिकित्सालय में पदस्थ डॉक्टर शबन मिश्रा ने बताया कि तापमान अधिक हो रहा है, ऐसे में अति आवश्यक हो तभी घर से बाहर निकलें और सूती कपड़े पहने। गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर वगैरह कैसा है? बहुत ज़्यादा है, गर्मी से दुकानदारी पे भी असर है और लोग बाग निकल नहीं रहे गर्मी की वजह से घर से बाहर। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि इस समय हीट वेव चल रही है सभी जगह और सबका टेम्परेचर लगभग 45 से 46 डिग्री के आसपास चल रहा है। इस समय अपने को गर्मी से बचाव रखने के लिए हमें हल्के सूती कपड़े पहनने चाहिए। जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकले और घर से बाहर निकलते समय पानी ज़्यादा पिए, पानी का उपयोग ज़्यादा पिए, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से अपने को स्वेटिंग के माध्यम से पूरा फ्लूड लॉस हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए वाटर इंटेक अपने को अच्छा रखना है, खासकर ऐसे लोगों को जिनका बीपी, शुगर और जिनकी कोई बीमारी है, कोई कोमॉर्बिडिटी है, उन्हें खासकर ध्यान रखना है। और जरूरत पड़े ही तो घर से बाहर निकलना है, लू से बचाव रखना है, क्योंकि इस समय पर हीट स्ट्रोक चलती है और टेम्परेचर बढ़ने से काफ़ी सारी और भी दिक्कतें आ सकती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नौगांव की बात करें तो आज से 24 मई तक सीवर हीट वेव कंडीशन घोषित की गई है, जिसके कारण यह नौगांव का जो तापमान है वो 42 से लेकर 47 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। आज की तापमान की बात करें तो 46 या 47 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास बने रहने की संभावना जताई गई है। इस महीने में जो तापमान की बात करें तो 45 से 47 के बीच में ही रहने की संभावना है। यदि गर्मी की बात करें तो 25 मई से 2 जून के बीच नवतपा शुरू हो जाएगा और नवतपा में अच्छी खासी गर्मी पड़ने की संभावना है, लेकिन 27 से 28 मई में कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना बनी हुई है, जिससे तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड आसपास रहने की संभावना है।